देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसके पहले एक्सपोनेंशियल हमने किया है, फिर लॉगरिथम हम इसके बाद करेंगे। बीच में एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, पहले फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू समझ लें, उसके बाद फिर अपने को देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है करके। जैसे क्या है, आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे आपके पास कोई भी आपने नंबर लिया, रियल नंबर 3.2 लिया आपने, तो 3.2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 + 0.2 ये हो गया आपका। तो ये मिला आपको 3 + क्या है, 0.2, यानी हाफ हो गया आपका। तो ये क्या है आपका, सॉरी क्या होगा आपका, 2/10 यानी 3 + क्या हो गया, 1/5। तो ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होगी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू आप लेंगे तो ऑलवेज लाइज बिटवीन क्या होता है आपका, 0 to 1 होता है आपका, 1 नहीं होगा इंक्लूड यदि आप पॉजिटिव लेना चाहें तो। जैसे क्या है, आप इनकेस में -3.2 का यहाँ पे इसमें देखना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू कौन सी होगी। तो जैसे यहाँ पे 3 क्या है आपका इंटीजर, 0.2 क्या हो गया आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। -3.2 को लिखेंगे आप -3 - 0.2 - 3 - क्या होगा, 0.2 यानी क्या होगा, 1/5। तो ये एक नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई और ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो जो नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी वो होगी -1 to 0। 0 इंक्लूड हो जाएगा, देखते हैं अभी मैं डिस्कस करता हूँ 0 क्यों इंक्लूड होगा। और क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू होगी आपकी, और पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to क्या होगा आपका, 1। यहाँ पे 1 एक्सक्लूड होगा क्योंकि 1 होगा तो वो इंटीजर में चला जाएगा आपका। अब देखिए क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि जैसे एक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू बनानी है, यहाँ पे क्या रहा है आपका, ये नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू है -1/5, इसको पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू बनाना है तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे सेट कर सकते हैं आप इसको, ये लिखा मैंने -3.2, इसको मैंने लिखा -3 - 0.2। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 ऐड किस में करना है, जो नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3 - 1 + 1, ये बैलेंस किया मैंने इसको, और -0.2। तो ये क्या होगा आपका, -4 + ये हो गया 0.8 हो गया आपका। तो ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, इसका पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। ये क्या है आपका, एक्स आपका रियल नंबर आपने लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट, या तो फिर आप इसको पॉजिटिव डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपने को सिर्फ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स, यानी आपको पॉजिटिव डेसिमल नंबर ही लेने हैं आपको। जैसे एक्स आपका रियल नंबर है, आपने एक्स क्या लिया, रियल नंबर, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उसको आप किससे डिनोट करेंगे, एक तरह से ये सेट टाइप का नोटेशन होता है, सेट नहीं है ये, इस तरीके से नोटेशन होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू होगी दिस इज सेट टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ एक्स बोलेंगे अपन। इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, ये इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको। देखिए अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो होगा वो पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू होगी, ये कभी आप क्या है, ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 to 1 होती है, पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू होगी आपकी 0 to 1 पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू, ये क्या होगी आपके 0 to 1 ही होती है। तो ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0 to 1 ही होगी आपकी। अब थोड़ा सा इस पे एग्जांपल से अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमको। जैसे क्या है आपका 3.2 का आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है,
तो 3.2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा करके। 3.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 0.2, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 3. ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपका 3 पॉजिटिव डेसिमल फॉर्म, तो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये हो गया इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ये जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी आपकी 0.2। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, 3.28 आ रहा है, 3.28 आ रहा है, तो इसके ये 3.28 हुआ, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, पॉइंट के बाद जो भी होगा, 0.28 है तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी आपको 0.28। अब अपन डिस्कस करते हैं नेगेटिव साइन पे, -3.2 है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, अभी ये -3 - 0.2 लिख सकता हूँ, लेकिन ये क्या है आपका नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर पॉजिटिव डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। -3 - 1 करूँगा, +1 करूँगा, -0.2 करूँगा। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ -4 + 1 - 0.2 क्या होगा आपका 0.8 होगा। तो -3.2 का ये क्या, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8। तो -3.2 की जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0.8 होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है 3.2, तो 0.2 हो गया, उसमें +1 ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या है मेरे को निकालना है -5.3, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -0.3 आ रहा है ना, इसमें +1 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा आपका 0.7। तो ये क्या हो, इसके फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0.7, ये इसके फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। अपने को ध्यान रखिएगा सिर्फ पॉजिटिव डेसिमल ही यूज़ करना है, अब ये वाली वैल्यू क्या होती है आपको ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 - 1। 0 कब होगा इस पर बात कर लेते हैं, थ्री है तो 3 का डेसिमल पार्ट क्या है आपका 0, 3.0 लिख सकता हूँ, तो 3 का डेसिमल पार्ट क्या हो गया 3 + 0.0, तो 3 का डेसिमल पार्ट हो गया आपका 0। तो इसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई आपकी। तो कोई भी इंटीजर आप ले लेंगे उसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होती है 0, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा 0, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा आपका 0, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा आपका 0। इस तरीके से कोई भी यदि आपका इंटीजर है तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो कोई भी आपने रियल नंबर लिया उसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट से आप करस्पॉन्डिंग कर दीजिए, सो दिस टाइप फंक्शन इज सेड टू बी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। देखते हैं किस तरीके से है, ये क्या है आपका, ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको क्लियर होगा, ये हो गया कोई भी रियल, जैसे आप इरेशनल नंबर का भी निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, √2 हो गया, √2 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी भाई, √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद आ रहा है, ये वाली वैल्यू क्या होगी इसके फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी, तो √2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा आपका 0.414, ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है आपका, नॉन रिपीटिंग होता है आपका। देखिए आप अपने फंक्शन पे बात कर रहे थे कि किस तरीके, जैसे क्या है आपका रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या तो नॉन इंटीजर हो। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक रूल यूज़ कर रहा हूँ, कैसा रूल, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट मैंने रूल यूज़ किया, फ्रैक्शनल पार्ट रूल यूज़ किया, तो 0 का जो करस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा 0, क्योंकि 0 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0 आएगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1.1, तो 1.1 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0.1 आएगी, क्योंकि 1.1 का क्या होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा 0.1।
1.2 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, 1.2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं नेगेटिव ले लिया, माइनस थ्री ले लिया, तो माइनस थ्री की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि ये क्या है आपका, इंटीजर आ रहा है ना। माइनस थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई आपकी। तो इस तरीके से आप किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 to 1। तो डोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, और इसका रेंज क्या होगा आपका, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 होगा। ज़ीरो क्या है आपका, इंक्लूड है इंटीजर के लिए, बाकी नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 1 से लेस होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 होगी। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया, डोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर, कोडोमेन हमेशा रियल नंबर लेना है, यहाँ पे एक्स है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। देखिए मैं आपसे डिस्कस किया था, मैंने एक्स है इस पर हमने रूल लगाया, तो ये रूल इस पर ऑपरेट होगा, तो एफ एक्स होगा आपका, तो ये होता है आपका डोमेन, ये होता है कोडोमेन होगा आपका, तो ये रूल इस पर ऑपरेट हुआ, तो ये मिलेगा आपको फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू मिलेगी, और ये जो फंक्शन होगा दिस इज सेट टू बी फ्रैक्शन, इस रूल को हमने एफ से डिनोट कर दिया। तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। तो कोई भी रियल नंबर है उसके अपन क्या करें, एक यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो उसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट से क्या करता है, करस्पॉन्डिंग करता है। तो दिस फंक्शन इज सेड टू बी क्या होता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहाँ पे इसका डोमेन क्या है आपका, देखिए ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है आपका, डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर, कोडोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर, ये हो गया डोमेन, ये हो गया आपका कोडोमेन। अच्छा रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका, एफ एक्स का इमेज, एफ एक्स फॉर एवरी एक्स, किसका मेंबर है आपका, डोमेन का मेंबर है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये हो गया आपका रेंज, रेंज क्या है आपका, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वैल्यू होगी ऑलवेज 0 to 1 होगी। तो ये इसका रेंज, तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन क्या होता है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर, फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर ही लेंगे क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। और रेंज होता है आपका, रेंज क्या होगा आपका, 0 to 1, 0 इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा। अब इसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं, देख लीजिए इसको थोड़ा सा। अब देखते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ बहुत यूज़फुल है, ये एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन होता है, वैल्यूज इसकी रिपीट होगी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। देखते हैं पहले यहाँ पे डेटा यूज़ कर लूँ मैं, देखिए 0.1, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, ये 0.1 है या 0.1 भी ले सकते हैं, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, 0.1 सेम आएगी एक तरह से, क्या होगा ये कि ये आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आपको मैंने कराया था कि इटसेल्फ इमेज होना चाहिए, तो दिस इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ यह पर्टिकुलर इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ओवरऑल नहीं, जैसे 0.2 हो गया, 0.2 का क्या होगा आपका, ये होगा 0.2, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल वैल्यू है आपकी, और भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे वैल्यू ले लिया, 0.9 क्या होगा, 0.9 होगा। ये आपको ब्रांच क्लियर हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट ब्रांच बहुत इजी वे पे समझ में आ जाएगा। ये मैंने ले लिया 0.99, तो ये क्या होगा आपका 0.99। 1 का, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 0,
तो यहाँ से यहाँ तक जब आप देखेंगे तो इट सेल्फ इमेज फॉर्म हो रहा है, जीरो का जीरो, पॉइंट वन का पॉइंट वन, पॉइंट टू का पॉइंट टू, पॉइंट नाइन का पॉइंट नाइन, पॉइंट डबल नाइन का पॉइंट डबल नाइन। अच्छा फिर ये अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, ये अब क्या है, वन का मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो फिर से जीरो हो जाएगा, इसी में मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ क्योंकि वन का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से क्या होगा, जीरो। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो भी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा 1.1 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फिर से 0.1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इमेज आपका रिपीट हो रहा है, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो फिर से क्या होगा, 0.2, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो वही मिलेगा जो 0.9, यानी इमेज आपका रिपीट हो रहा है। फिर मैं 1.99 का निकालूंगा तो इसका ही फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा आपका, 0.99 होगा। फिर 2 का निकालेंगे तो सेम रिजल्ट देंगे, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0 हो जाएगा, 2.1 का क्या होगा, फिर से 0.1, फिर से 2.2 का निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू तो 0.2 आएगा आपका, 2.9 का निकाल, ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो एक तरह से ये इसकी हाइट रिपीट हो रही है, हाइट रिपीट हो रही है, यानी फंक्शन कैसा बन रहा है आपका, पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है। तो इस तरीके से 3 के लिए भी, 1, 2, 3 के लिए क्या होगा, 0, 1.1, 2.1, 3.1 के लिए क्या आ रहा है आपका, 0.1, 0.2, 1.2, 2.2, 3.2, जिस भी इंटीजर में 0.2 लगेगा सभी का क्या होगा, 0.2 आएगा। किसी भी इंटीजर में 0.9 लगा तो क्या होगा आपका, 0.9 आएगा। इस तरीके से ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही। थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू के भी देख लेते हैं। देखिए -3 का क्या हो जाए, -1 का ले लेता हूँ मैं, -1 का क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है आपका, इंटीजर वैल्यू। अब अपन लेफ्ट साइड की बात करें, ये पॉजिटिव साइड था, ये पॉजिटिव साइड, अब अपन एक देखते हैं नेगेटिव साइड का। देखिए -1 का फिर क्या होगा आपका, 0 होगा। यहाँ पे देखिए -0.9 का, -0.9 का क्या होगा आपका, 0.1, क्योंकि -0.9 क्या आ रहा है आपका, माइनस, यहाँ पे -1 + 1 -0.9, -1 ये क्या हो गया आपका, +0.1। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या हो गई, इसमें आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये क्या होगा, 0.-0.8 का, फिर क्या होगा, 0.8 आ रहा है तो -0.8 आ रहा है तो 1 ऐड कर दीजिए, 0.2 आएगा आपका। फिर ये होगा आपका -0.1, -0.1 का क्या होगा, फिर से नेगेटिव आ रहा है तो +1 ऐड कर दीजिए इसमें तो 0.9 आएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको -2 का भी 0 आएगा। इस तरीके से अपन वैल्यूज, अपन 1-1.9 का क्या होगा, फिर से 0.1 आएगा, -1.8 का क्या होगा, फिर ये होगा 0.2 होगा। इस तरीके से अपन वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट साइड की। पहले इसको देख लेते, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में अपन रिलेशन देखेंगे किस तरीके से होता है करके, उससे और जल्दी निकलती है वैल्यू। देखिए इसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। ये आपका रियल नंबर हो गया आपका। अभी सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके ले रहा हूँ क्योंकि एक ब्रांच यदि क्लियर होगा तो अपन पैरेलल ब्रांच यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, 0, 0 का इमेज क्या हो गया, 0 हो गया आपका। अच्छा ये 0.1 ना, 0.1 इसका इमेज क्या होगा, इटसेल्फ 0.1 होगा। फिर 0.2 इसका इमेज क्या होगा आपका, 0.2 इटसेल्फ इमेज बन रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन फॉर्म हो रहा है आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल में। यहाँ पर्टिकुलर इंटरवल में 0 to 1 की बात कर रहा हूँ मैं। 0.3 का क्या होगा, 0.3 हो गया आपका। तो इस तरीके से 1 से पहले 1 का क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। देखिए अब ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया आपका। तो ये क्या है, इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, ये है 1। तो 1 से पहले क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 पे फिर से क्या होगा, ये वाला ब्रांच क्या होगा आप कैसे कहते हैं, रिपीट कर जाएगा आपका। -1 पे फिर क्या होगा, 0,
और माइनस क्या लेंगे आप 0.9 लेंगे तो फिर से क्या होगा 0.1, फिर माइनस 0.8 लेंगे तो फिर से क्या होगा 0.2। तो ये वाली वैल्यू देखिए इस तरीके से आपकी रिपीट होगी। तो इसका देखते हैं, एक रफ ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म होगा। इस तरीके से थोड़ा स्केल में छोटा कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया 0, क्या हो गया आपका 1, 2, 3, 4। नेगेटिव साइड पे आएंगे तो -1, ये हो गया आपका -2। ये हो गया 1, हाइट इसकी 1 हो गई, ये हो गया 1। 1 पे तो इमेज फॉर्म नहीं होगा आपका, एक्सक्लूड कर दिया मैं। देखिए 0 का इमेज यहाँ पे, फिर से 1 पे इमेज क्या होगा 0, 2 पे इमेज क्या होगा 0, 3 पे इमेज 0 और 4 पे इमेज 0। तो इस तरीके से मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे थोड़ा सा ग्राफ को समझने में अपने को आसानी होगी। 1 का इमेज यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा है ना, जैसे 0 का इमेज क्या आ रहा है 0 पे आ रहा है, तो 1 का इमेज भी क्या होगा 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या होगी रिपीट, ये इस तरीके से इसका ग्राफ क्या होगा एक लीनियर फॉर्म में होगा, ये 45 डिग्री बनाएगा। इसके पैरेलल ग्राफ यहाँ पे होगा, क्योंकि 2 का इमेज यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है 2 का इमेज, 2 का इमेज वापस 0 आ गया, तो इस ब्रांच को रिपीट कर दीजिए आप, ये इसका पैरेलल ग्राफ हो जाएगा। एक तरह से आप इसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं, या कट किया यहाँ पे आपने इसको इंक्लूड कर दिया। फिर 2 का इमेज फिर क्या होगा, फिर से ये ब्रांच रिपीट होगा आपका। फिर 3 पे क्या होगा, फिर 1 नहीं मिल रहा है, 3 पे 3 इंटीजर है, फिर 0 आ रहा है आपका, तो ये। फिर यहाँ पे 4 पे फिर क्या होगा, ये एक्सक्लूडेड है ना 1, ठीक है, 4 पे 0 आ गया वापस से, ये इसका ग्राफ होगा। -1 पे क्या होगा 0, और 0 पे वापस क्या हो गया आपका 0, तो ये इसकी नेगेटिव साइड है। -1 पे क्या होगा, ये -1 पे फिर से यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये एक्सक्लूड किया मैंने। तो ये इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है आपका। डोमेन देख सकते हैं, -∞, +∞, +∞ और -∞। डोमेन क्या समझ आ रहा है अपने को, फॉर एवरी रियल नंबर, इसका डोमेन है आपका फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि एवरी वैल्यू का आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज क्या है, देखिए रेंज क्या होगा, देखिए 0 to 1, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आ रहा है आपका, 0 इंक्लूड है और 1 क्या है आपका एक्सक्लूड है, तो रेंज क्या होगा आपका 0 to 1। 1 ओपन रखेंगे, ध्यान रखिएगा, और इसका जो कोडोमेन तो रियल नंबर लेंगे आप, कोडोमेन रियल नंबर हो गया आपका। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 to 1, और कोडोमेन क्या होता है रियल नंबर, ये इसका ग्राफ होता है। देख लीजिए उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं इसमें, इसमें मैं रिलेशन बताऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या रिलेशन होता है। एक मिनट ना, चलो चालू कर दीजिए सर। अब देखिए रिलेशन देख लेते हैं अपन, फ्रैक्शनल पार्ट और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर देखिए 3.2 हो गया, 3.2 का जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 3। आपके पास वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3.2 है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। आपने x क्या लिया 3.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। इस अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 0.2। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसका डिफरेंस है, यानी x और ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.2 -3, ये लिख सकता हूँ। तो 3.2 क्या है आपका,
3.2 क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3.2 क्या है वैल्यू है, तो ये x हो गया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो कोई भी आप नंबर ले लेंगे उसका एक इम्पॉर्टेंट इंटीजर, ये रिलेशन बिटवीन क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, कि कोई भी आप क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो कोई भी नंबर में क्या करेंगे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप माइनस कर देंगे तो ये बहुत इजी वे पे फाइंड आउट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को 5.2 का निकालना है, 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की प्लेस में क्या पुट कर रहा हूँ मैं 5.2, तो ये क्या है आपका 5.2 से क्या करें उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या करें सेपरेट कर दें। तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा आपका 5, तो ये क्या होगा आपका 0.2। तो इस तरीके से 5.2 का आपको फ्रैक्शनल पार्ट आपको मिल सकता है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे ताकि नेगेटिव में भी अपने को क्लियर हो जाए। इसको ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल फॉर्म है, कि जब इंटीग्रेशन वगैरह जब यूज़ होता है तो क्या, जैसे अपने को इंटीग्रेशन वगैरह में यूज़ करते हैं आप, तो फ्रैक्शनल पार्ट गिवन रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखना पड़ता है फिर, अब लिमिट वगैरह भी खैर गिवन रहेगा, डिपेंड करता है कि लिमिट किस तरीके से करते हैं। जैसे ए बी है, यहाँ पर लिखना पड़ता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपका ओपन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी है, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये तो सिर्फ बाद में देखना है अपने को, पहले एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालनी है, क्या होगा -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी -1. x के प्लस में यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ -1.9 ना, x की वैल्यू -1.9 है माइनस इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी -2, तो -2 तो ये होगा -1.9 +2 तो ये होगा आपका 0.1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए -0.8 का निकालता हूँ मैं, -0.8 का जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं -0.8 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू -0.8 ये होगा -0.8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये क्या होगा आपका -0.8 से पहले वाला इंटीजर क्या होगा -1, तो ये हो गया -1 -0.8 +1। देखिए अपने हमने डिस्कस भी किया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू में यदि नेगेटिव हो तो +1 ऐड हो जाता है, यही रीज़न है इसका, तो ये क्या होगा आपका 0.2। इस तरीके से -0.8 का क्या है आपका इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या हो गई 0.2 हो गया। इंटीजर का भी देख सकते हैं यहाँ पे, इंटीजर का भी देख लेते हैं, एक मेरे को जैसे लेना है 3 का निकालना है ना, x क्या है आपका 3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ, चलिए 3 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू चाहिए अपने को, तो 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट, 3 इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट 0 होगा, इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 3 होगा, कोई भी इंटीजर की ग्रेटेस्ट कोई भी आपका इंटीजर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है इटसेल्फ होती है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट क्या होगा 3, तो ये हो गया 0, तो 3 इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी 0। माइनस में भी देख सकते हैं, मैं लिया -5
माइनस फाइव का फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस फाइव पुट कर रहा हूँ। तो माइनस फाइव का क्या होगा आपका, माइनस फाइव एक्स की वैल्यू माइनस माइनस फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो माइनस फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपका, माइनस फाइव, क्योंकि इंटीजर होगा ये, तो माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, फाइव प्लस फाइव यानी ज़ीरो। तो ये भी देखिए, x इंटीजर हुआ तो इंटीजर इक्वल टू इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट, तो वो भी इंटीजर इटसेल्फ होता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा आपका। ये रिलेशन है आपका आपका फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में। आप इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए, ये खैर कभी कभी इसका यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल में क्या लिखा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ है काफ़ी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो ये अपना कंप्लीट हुआ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका देखिए, इसकी पीरियोडिसिटी कैसे होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का देखिए ग्राफ क्या होता है, ज़ीरो वन टू थ्री, ये वन हो गया आपका, देखिए ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये क्या होगा आपका, एक पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि जब यहाँ पे एक आप इस ब्रांच को देखिए, एक ब्रांच क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका, इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तो ये पूरा ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा आपका। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा, देखिए वन, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से आपने कट किया, इसके बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो कंटिन्यू ये क्या होगा, ग्राफ आपका फॉर्म होता जाएगा। तो देखिए ये जो लेंथ है, इसके बाद ही क्या हो रहा है आपका, ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका। तो उसका पीरियड क्या होगा, ये इसका पीरियड क्या होगा आपका, वन होगा आपका। ये एक पीरियोडिक में ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपका, पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका पीरियड क्या होगा आपका, वन होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पीरियोडिक जो फंक्शन होते हैं, बेसिक जो फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमने देखा था। यहाँ पे क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ एक्स प्लस टी, टी क्या होगा आपका, फंडामेंटल पीरियड, टी की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे वन होगी। तो जो यहाँ पे हमने क्या देखा था पहले, साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक, ये सब क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होंगे, उसमें एक फंक्शन और ऐड कर लीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड क्या होगा आपका, वन होगा। तो इस तरीके से ये आपका पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्या है, इसका यूज़ आपको काफ़ी है आगे। और क्या है, इसमें कोई जैसे इसका मेन होता है इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इसका पीरियड, ये तीन चीज़ बहुत मस्ट होता है इसमें। और इसका इंटीग्रेशन वगैरह में इसका लेंथ वगैरह सब आप यूज़ करते हैं, जैसा भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे दे दिया 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 2 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, इसको ब्रेक करते हैं। ये इस फॉर्म का यूज़ काफ़ी होता है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर और रिलेशन बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज़ काफ़ी होता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।